पार्टी सांसद आजम खान और उनकी पत्नी तंजीम फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम को 17 मार्च तक जेल में रहना पड़ेगा। आजम आज पेशी के दौरान कोर्ट पहुंचे और वकील की तरफ से जमानत याचिका दायर की गई, जिस पर 16-17 मार्च को सुनवाई होनी है। हालांकि एक और मामले में 2 मार्च को सुनवाई होगी, लेकिन इससे पहले आज सुनवाई के दौरान ही आजम खान ने 47 दूसरे मामलों में सरेंडर किया, जिसे कोर्ट ने स्वीकार भी कर लिया। आजम खान और अब्दुल्ला आजम पर 2 पासपोर्ट, 2 पैन कार्ड रखने के आरोप हैं और इनके खिलाफ बीजेपी नेता आकाश सक्सेना ने कोर्ट में ये मामले दायर किए थे।